दोपहर का खाना हुआ। यही है कि आज दिन में इसी में आज बस 3 रोटी खाए हैं और आ गए हैं। यहाँ पे जो हरा भरा ना चाहिए तुमसे कम नहीं। उठ जाए हो गई सुनहर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग भाई लोग? आज हम बेनुबन नाम करके कुछ है जहाँ जगह पे हम लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। तो अंदर कैमरा वगैरह से भी लाओ नहीं है, मोबाइल से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो आइए अंदर चल के देखते हैं कैसा है आप लोग। सो भाई लोग, हम लोग इंट्री अभी कर चुके हैं और ये अभी थोड़े दिन पहले भी यहाँ आए हुए थे, लेकिन उस समय बहुत लोग मेरे साथ आए हुए थे, कुछ लोग, इसके कारण हम ब्लॉगिंग नहीं कर पाए। मेरा मूड भी ऑफ। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, तगड़ा वाला लग चुका है क्योंकि घर से बस 3 रोटी खा के निकले हैं सुबह ही। भाई अंदर घूमने के लिए बहुत सारा जगह है, यहाँ देख सकते हैं छोटा सा एक झील है और ये पूरा हरा हरा वातावरण है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और अभी हम वहाँ आपको दिखाने वाले हैं जहाँ हमने बहुत सारा फोटो वगैरह क्लिक करवाया था कुछ दिन पहले आकर। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये जो आपका गोल गोल सा दिख रहा है चबूतरा वगैरह, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा फोटो क्लिक किया था। तो देख सकते हैं भाई लोग, बहुत सारा है ऊपर। भाई लोग यहाँ पे काफ़ी बहुत सारा जामुन गिर रहा था जो कि लोग कुछ लोग तोड़ रहे हैं, हम एक टेस्ट करने के लिए हैं। गांव में जब रहते थे तब मिलता था हम लोग को खाने के लिए। यहाँ देख सकते हैं हम लोग, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम लोगों ने बहुत सारा फोटो क्लिक करवाया था। पता नहीं गाइस ये कौन सा गेट है, नया नया पे अभी आ रहे हैं, पिछले बार आए थे तो कहीं और से एंट्री वगैरह था। ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पूरा अंधेरा अंधेरा सा है। लोगों को दिखने में बाकी अंदर जाते हैं तो देखते हैं कुछ चेंजेस वगैरह हुआ है कि नहीं। 2 महीने के बाद आते हैं तो पहले मुझे भूख लग गया बहुत तगड़ा वाला, तो पहले खाना वाना पहले खा लिया जाएगा उसके बाद आगे जाकर देखा जाएगा। यहाँ का लोकेशन गाइस काफ़ी मस्त है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। लोकेशन यहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त आता है, और पिछले बार भी हम लोग आए थे तो बहुत सारा मतलब कि बहुत अच्छा लोकेशन आया था। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, भाई लोग आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा दोपहर का खाना हुआ, मेरा दोपहर का खाना हुआ तुरतुरे।
यही है कि आज दिन में इसी में आज कटने वाला है। ज़्यादा चल रहे हैं तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट खाना वाना लेके आ जाए भी नहीं, बस तीन रोटी खाए हैं और आ गए हैं। तकरीबन ये तीसरा बोतल हम पीने वाले हैं पानी, एक बोतल घर से लाए हैं, तीन बोतल खरीदे हैं। दूसरी बार यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि मतलब कि दूसरी बार आ रहे हैं, दो महीने के बाद तो इस ब्रिज पे हम चढ़े नहीं हैं, लेकिन आज चढ़ रहे हैं। पिछले बार उस ब्रिज पर चढ़े थे, आप लोग वहाँ देख सकते हैं, और इस बार चढ़ रहे हैं इस पर। नीचे इधर साइड में आपको झूला वगैरह सब मिलेगा, ये पूरा एकदम पटरी का बना हुआ है, जो कि धूप नहीं है बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। 10 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश होगी, कब होगी, लेकिन हर ही बारिश। अंदर वैसे बनाया हुआ बहुत बढ़िया है भाई लोग, और हवा अभी अभी चला, लोकेशन कुछ इस तरह करके है। इसमें बहुत सारा कांटा लगा हुआ है, यहाँ पर पानी वगैरह सारा व्यवस्था है। आप लोग ठंडा पानी पीने का मन रहे तो वहाँ पे आप लोग ठंडा पानी आप लोग को मिल जाएगा। बाकी चलते हैं, सूप वगैरह जो करना था हो गया। जी आप लोग तो ठीक ठाक है भाई लोग, घूमने के लिए आप लोग यहाँ पे एक बार आ सकते हैं। यहाँ पिछली बार आए हैं तो भाई लोग, यहाँ का लोकेशन जो है बहुत तगड़ा आता है। हमने पिछले बार भी हम यहाँ पे वीडियो अपना शूट करके गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्योंकि यहाँ पे जो हरा भरा एकदम हरियाली एकदम है, जिसके कारण फोटो बहुत तगड़ा आता है। कैसा भी कैमरा हो, आप लोग यहाँ पे एक बार फोटो खिंचा सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ और पिछले बार आए थे इसमें बहुत सारा फोटो क्लिक वगैरह करवाए थे। देख सकते हैं गाइस आप लोग, और नाइट में शायद यहाँ पे कुछ मतलब लाइट शो वगैरह भी है शायद यहाँ पे। Oh, 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 oh
भाई लोग आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होने वाला है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।